to Chef at Home Culinary Academy, situated in the beautiful city of Taj, Agra. We offer multiple courses here, like courses in baking, pastry making, bread baking, courses in Indian regional cuisines, Italian cuisine, Chinese cuisine, etc. मैंने सोचा कि आप लोगों को बुलाया जाए, एक छोटा सा केक मेकिंग शो ऑर्गेनाइज किया जाए कि आप लोग देखें और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होगा और नए क्लासरूम को एंजॉय करें। जिन्होंने नहीं देखा है ये केक मेकिंग होती है तो उन्हें किचन एड बोलते हैं, क्योंकि हमने क्रीम फेंटने के काम में आता है, हाउ टू मिक्स क्रीम, क्रीम को विप करने के काम में आता है। बिना क्रीम के कोई भी बर्थडे केक नहीं बन सकता। केक्स बहुत तरह के होते हैं, क्रीम केक जो जनरली हम लोग बर्थडे पर ऑर्डर करते हैं एनिवर्सरीज पे, वो इसी मशीन की हेल्प से बनेंगे। इसपे केक हम लोग बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं केक स्टैंड। जैसे कुम्हार अपना घड़ा बनाता है किसी बेस पर, सर्कल पर, वैसे ही हम केक बनाते हैं। केक स्टैंड काफ़ी हैवी होना चाहिए, वॉबल नहीं करना चाहिए, तभी अच्छा केक आपका डिज़ाइन होगा। ब्रिटिश केक्स होते हैं, सिंगल लेयर होता है, वन लेयर, वहाँ पे क्रीम ज़्यादा नहीं खाते। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के केक्स चलते हैं। ये क्रीम क्या होममेड है? नहीं, ये क्रीम केक क्रीम व्हिपिंग क्रीम बोलते हैं। इट इज अ नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम। ये अलग अलग कंट्रीज के आती हैं। दिस इज अ सनराइज कंपनी की क्रीम है ये। ये केक डेकोरेशन के पर्पस के लिए ही बनी है। दिस इज नॉट अ अमूल क्रीम। आप अमूल क्रीम नहीं यूज कर सकते, मतलब डेयरी क्रीम नहीं यूज कर सकते। वो बहुत हैवी होती है, वो लगाते वक्त पूरी बह जाएगी। आपने क्रीम विप करके रख ली है, ठीक है, उसके बाद बना रहे हैं, समय लगता है, क्रीम में बबल्स आ जाते हैं, क्रीम फटने से लगती है, दाने आने लगते हैं, इसलिए क्रीम के लिए वो मिक्सचर जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी क्वांटिटी, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी बार बार फेंटें इसको, तभी जो स्मूथनेस है क्रीम में वो तभी आएगी। अगर क्रीम घंटे भर तक रखी रह गई तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती है, चाहे आप फ्लावर्स बनाएं, चाहे आप ये बनाएं। अभी आपको फ्लावर्स दिखाएंगे डिफरेंट तरह के।